बलूचिस्तान के शहर तुर्बत में नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम कीच के जेरे एहतमाम यूरोपीय यूनियन के माली मुआविनत से ब्रेस प्रोग्राम बलूचिस्तान रूरल डेवलपमेंट एंड कम्युनिटी एम्पावरमेंट प्रोग्राम पर अमल दरामद की जा रही है, जिसका मुद्दत 2017 से लेकर 2022 तक है। इस जमन में NRSP तुर्बत के बिल्डिंग में 3 रोजा वर्कशॉप मुनक्किद किया गया, जिसमें तहसील और जिले सतह पर मुतालिका इंतजामिया और लाइन डिपार्टमेंट्स के नुमाइंदगान ने खसूसी तौर पर हिस्सा लिया। वर्कशॉप के पहले रोज मेहमान खसूसी डिप्टी कमिश्नर कीच हुसैन जान बलोच थे, उन्होंने वर्कशॉप का इफ्तिताह भी किया। वर्कशॉप के दूसरे रोज मेहमान खास असिस्टेंट कमिश्नर तुर्बत अकील करीम थे, जबकि वर्कशॉप के तीसरे रोज मेहमान खास डिविजनल डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट मकरान शेख जहूरुल हसन थे। इस्लामाबाद से भी RSPN की एक टीम ने शिरकत की, जिसमें डॉक्टर अन्नान और सज्जाद जंगेजई ने एडवोकेसी वर्कशॉप ऑन डायनामिक्स ऑफ पावर्टी एंड कम्युनिटी लाइवलीहुड पर प्रेजेंटेशन दिया और मुनक्किद किए गए अपने फाइनल रिसर्चेस और सर्वेस के नतायज को शुरका के सामने पेश किया। प्रोग्राम में असिस्टेंट कमिश्नर अकील करीम ने खिताब करते हुए कहा है, वोकेशनल ट्रेनिंग आप इम्पार्ट कर रहे हैं, इसकी मतलब बड़ी अहमियत है। दूसरी चीज़ की कभी जो हमें महसूस होती है वो अलर्ट लोग हैं, मतलब उनकी लिटरेसी के हवाले से NRSP या BRSP बहुत अच्छा काम कर रहा है। इनके अलावा जो अवेयरनेस सेशंस हों, कैंपेन्स हों या दूसरे तीसरे इस तरह की आगाही मुहिम हों, वो तो हमारे साथ ही हर वक्त और खुद अपनी तरफ से भी ये चीज़ें चला रहे हैं। तो ये जान के बड़ी खुशी हुई और उम्मीद भी है कि इनको आप एक लार्जर एक्सटेंट और लार्जर स्केल पर लेके जाएंगे। मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ और ये उम्मीद भी करता हूँ बाकी जो एक साल पीरियड बचा है उसमें भी इस तरह की स्कीमें जो है वो लेकर आएंगे और यहाँ अप्रूव करा कर जो है लोगों तक पहुँचाएंगे। इस हवाले से NRSP के प्रोग्राम मैनेजर गुल अफरोज बलोच और रीजनल मैनेजर नबील अहमद बलोच ने गिदरोशिया पॉइंट से गुफ्तगू करते हुए कहा, हमने ये इंटरवेंशन लोगों के साथ किए हैं तो इस रिसर्च का मकसद ये था कि इनको जो है इनकी जिंदगियों पे क्या फ़र्क पड़ा है। तो रिजल्ट में ये पता चला कि केच में जो है शुरू में जब ये इंटरवेंशन के आगाज़ से 62% गुर्बत थी, अब इस इंटरवेंशन के साथ या इस बेनिफिशरीज के साथ जो काम किया गया है ये 62% से कम होकर 42% तक पहुंच चुकी है, बल्कि 20% से ऊपर यह गुर्बत में कमी वाकई हुई है। तो ये बड़े हौसला अफजा नतायज हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस आखिरी साल में ब्रेस प्रोग्राम में इसी इंटरवेंशन को मज़ीद एनर्जी के साथ इन कम्यूनिटीज़ के साथ मिल के काम करें और पावर्टी एलिवेशन के ऊपर काम करें। तो इन चीज़ों पे एक रिसर्च की गई थी कि ये जो हम इंटरवेंशन ब्रेस प्रोग्राम के तहत कर रहे हैं तो इनका क्या इम्पेक्ट्स हैं, जिन बेहद गरीब घरानों को हम इनकम जनरेटिंग ग्रांट, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड या टेक्निकल वोकेशनल स्किल ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनके आलात ज़िंदगी में कोई बेहतरी आई है, उनकी मेयार ज़िंदगी बेहतर हुई हैं या उनकी जो आमदनी है उसमें इजाफा हुआ है कि नहीं हुआ। मेरा नाम साहिरा है और मैं LSO कोश की जानिब से आई हूँ और मुझे मैं NRSP का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ब्यूटिशन कोर्स का ट्रेनिंग दिया और उन्हीं के थ्रू मेरे मतलब इनकम में बहुत ज़्यादा मतलब हेल्पफुल रही है और मतलब अभी मैं बहुत ज़्यादा सही तरीके से अपना कारोबार और अपनी फैमिली हम चला रही हूँ। आखिर में नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम कीच के रीजनल मैनेजर नबील अहमद बलोच ने तमाम स्टेक होल्डर्स और कम्युनिटी मेंबरान का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर 3 रोजा वर्कशॉप को कामयाब बनाया। मज़ीद दिलचस्प मालूमात और ख़बरों से आगाह होने के लिए गिदरोशिया पॉइंट फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर को फॉलो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें ताकि मकरान समेत बलूचिस्तान की खबरों से जुड़े रहें।